नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तरी भारत में थोड़ा सुबह से हल्की हवा और थोड़ी सी छिटपुट बारिश हुई है। आज हल्का हवा और रात रू जैसा सुबह सुबह ठंडक रहा। लगभग 10 बजे तक यह ऐसा मौसम ठंड का बना रहा, उसके बाद फिर गर्मी और तेज़ धूप और लू होने लगा। कितने लोग गर्मी तेज धूप से अपनी आज भी जान गंवा बैठे हैं। आए दिन विभिन्न खबरों के माध्यम से मिल रही इस बारी गर्मी, भयानक और अधिक धूप और तेज लू पड़ रही है, जिससे कि हम सभी को बचने की विशेष ज़रूरत है। इससे बचने के लिए सरकार अब न्यूज़पेपरों में एडवाइजरी अलर्ट जारी किया है, जिससे कि हम सभी को विशेष तौर से गर्मी और तेज़ धूप और लू से बचने की ज़रूरत है। हम सभी गर्मी से बचने के लिए कुछ ठोस कदम, देसी जो है पदार्थ उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि छाछ, दही, नींबू पानी और ग्लूकोंडी आदि का सेवन करना चाहिए और बेवजह से घर से बाहर ना निकलें, जैसे कि धूप, गर्मी, तेज़ धूप से आदि बचाव करें। यदि आपका तबीयत सही नहीं है तो अपने नज़दीकी सरकारी जिला चिकित्सालय पहुंचकर गर्मी में अपना इलाज करवाएं और सरल पूर्वक से गर्मी में ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें और गर्मी का खाद्य पदार्थ, ठंड खान पान का उपयोग करें। जैसे हम सभी लोग अपने सेहत, अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ख्याल रखें और उन्हें जागरूक करें। किसी को भी यदि हो सके तो ठंडा पानी वगैरह पिलाना चाहिए। यदि आपके फ्रिज का व्यवस्था है तो घर के सामने फ्रिज आदि का व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ठंडक पानी मिल सके और एक दूसरे का ख्याल करते हुए और प्यासे को पानी पिलाया जा सके। इसलिए थोड़ी रात आज सुबह से जो है थोड़ी मिली है 2-3 घंटा के लिए, उसके बाद हवा भी चली, लेकिन फिर वही गर्मी, वही तेज़ धूप, वही लू जैसे आज फिर जो है मौसम वैसे के वैसे बना रहा। वैसे वैज्ञानिकों का दावा है कि जो है थोड़ा रिमझिम बारिश के साथ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह कब होगा अभी अता पता नहीं है। और विकराल धूप, तेज गर्मी और जो है लू चल रही है, जिससे कि जानलेवा जो है या खतरा मानव जातियों के लिए बन चुका है। इसे बचने के लिए सरकार अब आगे आकर एडवाइजरी लगातार जो है विज्ञापन दे रही है और यह जारी करते हुए उस चीज़ को भी हम सभी लोग पालन करना चाहिए, अपने सेहत और अनेक जो है कार्यों के साथ देखते हुए हम और अपने घर परिवार और आस पड़ोस सभी का विशेष ख्याल करें। और आप जिला चिकित्सालय या किसी भी हॉस्पिटल या केंद्र पर जाकर वायरस का घोल वगैरह अधिक पीनी चाहिए, जिससे कि या दस्त या अनेक और भी बीमारी होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और आप जो है ठोस कदम उठाते हुए सेहतमंद बने। और जगह जगह पर फ्री इलाज आदि किया जा रहा है, जिससे कि ब्लॉक पर और जिला चिकित्सालय और अनेक सरकारी ऐसे स्तर बनाए गए हैं, जिससे कि वायरस और अनेक तबीयत खराब होने पर आप जो है यह इलाज कर सकते हैं सरल भाव से और सही तरीके से। और ठंडक जो है तेज धूप में बिल्कुल भी आप बाहर न निकलें। यदि आप बाहर निकले हैं तो गमछा और यह जरूर आप सिर में बांध कर ही निकलें। छाछ और नींबू पानी आदि का उपयोग ग्लूकोंडी का करते रहें और आप सही उपयोग के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मौसम बदलते रुख को देखते हुए हम सभी लोग अपने सेहत का विशेष ख्याल रखनी है। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।